जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पावर जनरेटर है होममेड। इसे बनाने के लिए हमें कूलर फैन जो होता है उसका वाटर पंप है उसका यूज़ किया है, और ये 12 वाट डीसी मोटर है जो इस पंप को घुमाएंगी। एक जो बल्ब लगाने का फिक्स कर रखा है हमने, और इसकी एनर्जी जो पावर है पावर सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमने 2 फैन कैपेसिटर लिए, इसमें कनेक्ट करें ताकि इसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके हमें। और एक सॉकेट रखा है जिसमें हम चार्ज कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चेक करते हैं इस 12 वाट की मोटर को वर्क करने के लिए। मैं एक 12 वाट का एलिमीटर यूज़ करूँगा क्योंकि 12 वाट की बैटरी मेरे पास है नहीं अभी फ़िलहाल। देख सकते हैं आप इसका करंट, करते ऐसे कनेक्ट। करते हैं कनेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वर्क कर रहा है अभी फिलहाल। इसकी आपको पावर बता देता हूँ, इस कैपेसिटर की वजह से हमें बहुत ज़्यादा पावर मिल रही है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्पार्क हो रहा है। बताता हूँ आपको, देख सकते हो आप बहुत ज़्यादा ही पावर सप्लाई कर रहा है, ये सिर्फ कैपेसिटर की वजह से कर रहा है। इस बल्ब को करते चेक, जैसा कि आप देख सकते हैं बल्ब हमारा वर्क कर रहा है। इसके अलावा हम एक चार्जर यूज़ कर सकते हैं, ये हमारा चार्जर है इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ। दोनों वायर जो हमारा पावर सप्लाई कर रहा है इसे सॉकेट में डाल देता हूँ, देखता हूँ कि चार्ज हो पा रहा है या नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं साउंड कम हो गया है जनरेटर का, कि चार्ज हो पा रहा है हमारा फ़ोन, देख सकते हो आप। और नेक्स्ट वीडियो इसकी मैंने कैसे बनाया इसे इसकी अपलोड करूँगा। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे फ़ोन तो चार्ज हो रहा है, दरअसल इसकी पावर बढ़ाने के लिए हमें इस तरह के 2 कैपेसिटर की ज़रूरत है जो हमारे फ़ैन में मिलते हैं, या भी आपको कहीं भी मिल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप पर। ठीक है दोस्तों, एंड प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल इन्वेंशन 96। सो प्लीज़ हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर कर। डिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा मैं, इसे कैसे बनाया है मैंने।